आपके कुछ जिगरी दोस्त जैसे कि जैसे मुनावर है और स्टैन है, करेक्ट? नहीं जी, तो बाप बिग बॉस जा रहे। देखो अगर बात ये सच है ना, तो मैंने देखो अपनी रील में लास्ट वाली रील। आखिर कौन है निजी जिनकी बिग बॉस OTT 3 के अंदर एंट्री हुई, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं? आखिर निजी का फुल नेम क्या है? आखिर निजी रहते कहाँ पे? आखिर निजी करते क्या है? आखिर निजी किसके बेस्ट फ्रेंड है? मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। हालांकि जो निजी के फैन है उनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो बिग बॉस की जो ऑडियंस है, जो बिग बॉस देखते हैं, उनको कई सारों को पता नहीं। तो मैं आपको उनके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ कि आखिर निजी कौन है। लेकिन ये सारी चीजें बताने से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि आपको बिग बॉस OTT 3 की अपडेट यहीं मिलने वाली है और बहुत सारी अपडेट। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं आप सभी को बता देता कि आखिर कौन है निजी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। हाँ, तो आपने छोटा सा ये वाला वीडियो देख ही लाऊंगा जो सोशल मीडिया पे जम के मीम्स वायरल होता है, यही है निजी। लेकिन ऐसे में आप सभी सोच रहे हो इनका फुल नेम क्या है। हालांकि आप समझ ही गए हैं कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको इनका फुल नेम भी बता देता हूँ। नावेद शेख है इनका नाम। नावेद मेरा असली नाम है। नावेद का मतलब होता है खुशी का पैगाम। लेकिन आप सभी सोच रहे हो कि रहते कहाँ पे, तो आप बता दूं ये रहते हैं मुंबई के कुर्ला के अंदर, एक छोटी सी बस्ती के अंदर, और इस जगह का नाम बॉम्बे 70 कुर्ला वेस्ट। ये मेरा घर है। लेकिन आप सभी सोच रहे हो कि अब ये करते क्या, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, ये हिप हॉप सिंगर है, यानी कि एक हिप हॉप रैपर है जिन्होंने अच्छे अच्छों की बजा के रख दी। अगर आप इन्हें अब भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने गली बाय मूवी देखी हुई, जिसके अंदर कई सारे सॉन्ग देखे होंगे, तो आप बता दूं जो गली बाय मूवी बनी हुई है रणवीर सिंह की, इन्हीं पर बनी हुई है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता दूं, ये मुन्नार फारूकी और MC स्टैन के अच्छे खासे दोस्त है। खुद मुन्नार फारूकी ने बोला है, नहीं जी तो बाप बिग बॉस जा रहे। देखो अगर बात ये सच है ना, तो मैंने देखो अपनी रील में, लास्ट वाली रील में पहले ही बोल दिया था, गेस कर लिया था कि निजी दबा जा रहे, और मैंने प्रोमो देखा, मेरे को शक हो रहा है कि निजी दबा जा रहे, और अगर वो जा रहे ना भाई तो ऐसा फ्री स्टाइल होने वाला है। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बॉस देखने के लिए। हाँ, तो आपने छोटा सा वीडियो देख ही लूंगा मुन्नार फारूकी का, ये मुन्नार फारूकी के अच्छे खासे दोस्त, और आप समझ जाइए मुन्नार फारूकी किसे सपोर्ट करने वाले बिग बॉस के अंदर, 100% निजी को, और निजी को जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सब दादू, जब निजी एंट्री ले रहे थे बिग बॉस के अंदर, तो अनिल के पुरु ने उनको बोला कि तुम्हारे जो अच्छे खासे जो बेस्ट फ्रेंड है मुन्नार फारूकी और MC स्टैन, जिन्होंने मेन बिग बॉस जीता था, MC स्टैन ने 16 वाला और मुन्नार फारूकी ने 17 वाला, तो उन्होंने बोला कि आप पे प्रेशर होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पे प्रेशर है, और उन्होंने आगे बोला कि मेरे कम्युनिटी से MC स्टैन और मुन्नार फारूकी ने ट्रॉफी लिख गया, तो मुझे भी ये प्रेशर है, मुझे भी लिख जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे ट्रॉफी घर पे लिख जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप सभी समझ ही गए हैं कि निजी किसके बेस्ट फ्रेंड है, MC स्टैन और मुन्नार फारूकी के। और तो जरा सोचो, दोनों भी बिग बॉस के विनर है, 16 और 17, तो फिर अब अगर दोनों ने मिलकर सपोर्ट कर दिया तो फिर निजी का गेम कैसा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप सुधा दूँ, ये दोनों कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन जब तक कि निजी खुद से नहीं खेल पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन लग रहा है कि निजी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे बिग बॉस के अंदर, किसको ना किसको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि निजी एक खुद के अंदर एक आर्टिस्ट है। जब उनसे पूछा गया बिग बॉस के सेट पर, जब बिग बॉस में एंट्री हो रही थी, कि तुम्हारे जो हाइप है, जो फेम है, तुम लोगों के सामने क्यों नहीं लाते, तुम क्यों छुप जाते, क्यों अंडरग्राउंड रहते, उन्होंने बोला कि देखो मेरा जो आर्टिस्ट है, अगर मैं फेम के चक्कर में रहूंगा तो मेरा अंदर का आर्टिस्ट मर जाएगा, जिसकी वजह से मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ और बाद में निकलता और कुछ अच्छा लाने की कोशिश करता हूँ। मतलब डायरेक्टली उन्होंने वाली चीज़ बोली है। तो इसी पर आपका क्या मतलब, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पता था इससे पहले निजी के बारे में, कि आप निजी के फैन हैं, क्या आप निजी को सपोर्ट करेंगे बिग बॉस के अंदर, कमेंट करके जरूर बताना। और उसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।